हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी ब्रश। मैं हूं संगीता अवस्थी। फ्रेंड्स, कबाड़ से जुगाड़ की सीरीज़ में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। अगर इससे पहले के वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इतनी ब्यूटीफुल सी बालकनी को देखकर आप क्या सोचने लगे? जी हाँ, ये एकदम वेस्ट मटेरियल से बना हुआ वॉल डेकोर है जो इस बालकनी में चार चांद लगा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना हुआ, जिसे आप अपने पास रखना भी पसंद नहीं करते। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ये ड्राई मिल्क के कंटेनर के लिड के नीचे जो प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा लिड लगा रहता है वही है। इस तरह के प्रोटेक्टिव लिड आपको रसगुल्ले के कंटेनर में, प्रोटीन पाउडर के कंटेनर में भी मिल जाते हैं और शायद और भी कंटेनर्स में मिल जाएंगे, जिन्हें हम अक्सर थ्रो कर देते हैं। आज मैंने इसी वेस्ट से वॉल डेकोर क्रिएट किया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो से भी ज़्यादा रियल में ब्यूटीफुल लग रहा था। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी ब्यूटी को। एक बात और फ्रेंड्स, आप इसे बालकनी के अलावा अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, स्टेयर्स के पास, सिटिंग एरिया में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसे अपने स्टडी टेबल के पास या फिर आप जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ भी हैंग कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कोट्स को ऐड कर सकते हैं और ऐसे कोट्स को लिख सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं या मोटिवेट करते हैं। तो मैंने इसमें कुछ कोट्स को ऐड किया है जो मुझे पसंद थे और आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें कोट्स नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो अपने थीम के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी डिज़ाइन या फ्लावर पैटर्न सिलेक्ट करके इसमें स्टिक कर सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप इसमें अपने मेमोरेबल पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और जब भी आप इसकी तरफ देखेंगे तो आपको वो सारी मेमोरीज़ फिर से रीन्यू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप इस वॉल डेकोर को जिस भी वॉल पर हैंग करेंगे उस वॉल की ब्यूटी को ये इन्हांस कर देगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन और पैटर्न देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये देखने में जितना ही ब्यूटीफुल है उतना ही बनाने में इजी। तो चलिए देखते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है और इनको बनाने में किन किन चीज़ों को यूज़ किया है। तो देखिए, सबसे पहले ये वो लिड्स हैं जिनको मैंने यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप इनको क्लीन कर लें और अच्छे से ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप इन्हें यूज़ करें। इसके बाद फ्रेंड्स, हम क्ले लेंगे। ये एयर ड्राई क्ले है फेविक्रिल की। ये 25 रुपीज़ का पैकेट आता है। तो इसमें दो मटेरियल होते हैं, इन दोनों को मिक्स करके एक डो तैयार करना है हमें। और हमें एज सून एज पॉसिबल अपना आर्ट पीस तैयार कर लेना है या बना लेना है, क्योंकि ये मिक्स होने के बाद सूखने का प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसे बनाने का ट्राई करें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्ले कटर यूज़ किया है। ये मैंने लखनऊ मार्केट से परचेज़ किया था और इसमें 36 कटर्स थे, जिनमें से मैंने कुछ ही शो किए हैं, कुछ मुझे मिल नहीं रहे थे। और पूरा सेट इसमें एक रोलिंग पिन है और ये एक टूल एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो लेवल को इवन करने के लिए होता है। तो मैं इन्हीं का यूज़ करके अपने फ्लावर्स को क्रिएट करूँगी और उसको लिड के ऊपर स्टिक करूँगी। तो इससे क्ले से फ्लावर बनाना बहुत ही ईजी होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने फ्लावर्स को हाथों से भी बना सकते हैं। अगर आप हाथों से बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको सिखा दूँगी। इसके बाद हमने लिड लिया है, लिड के ऊपर मैंने ये क्ले को अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, ये करना बहुत ही ईजी है। इसको रोटी की तरह पहले
बेल लेना है और उसके बाद में उसको लिड के ऊपर बराबर से रख कर कट कर देना है। जितना लिड पर आ रहा है उतना रखिए, बाकी कट करके हटा दीजिए। और उसके बाद में कटे हुए जो फ्लावर्स हैं कटिंग करे हुए, वो पूरा इस पे साइड में आपको इस तरह से स्टिक कर देना है। और किसी भी टूल से या किसी भी स्टिक से आप इसमें बीच में थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। फ्रेंड्स, आप इसमें दो तरह का क्ले कलर देख रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि मैंने पहले इस पे दूसरी क्ले का यूज़ किया था। शॉपकीपर के पास फेविक्रिल का क्ले नहीं था तो मैंने इसको स्टिक किया, बट इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही बेकार हुआ और ये पूरा क्रैक हो गया। फिर से मैंने इस पे फेविक्रिल का क्ले अप्लाई किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसे कलर कर लेंगे। कलर करने के लिए मैंने इसमें एशियन पेंट्स का बेबी पिंक कलर बेस में लगाया है और इसको मैंने दो बार अप्लाई किया है ताकि कलर अच्छे से उसमें स्टिक हो जाए। और फ्लावर्स के ऊपर पेंट करने के लिए मैंने पर्ल कलर का यूज़ किया है। ये लोटस पिंक का शेड है और ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा हाफ रेडी हो गया है डेकोर। इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस पे ब्लैक परमानेंट मार्कर से कोट्स लिख दिए हैं अलग अलग, ये देखिए। और साइड में मैंने कुछ लीफ पैटर्न्स क्रिएट कर दिए हैं, देखिए फ्रेंड्स। और आपको जो हैंगिंग पार्ट है या ऊपर वाला पार्ट है, ये आपको रिमूव बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा इसको हैंग करने में। तो किसी भी पार्ट को इसमें से रिमूव नहीं करना है और ये देखने में भी ब्यूटीफुल लगेगा और हैंगिंग में भी इजी होगा, क्योंकि हैंगिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना होगा। तो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने रखा है वो अपने अकॉर्डिंग रखा है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। तो अब हम इन्हें हैंग करके देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं इसको आपको हैंग करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको मैंने इसलिए हैंग करके दिखाया है क्योंकि एक तरफ इसमें फ्लावर्स लग जाने के कारण ये एक तरफ का वेट इसका कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि हैंगिंग के लिए ऑलरेडी इसमें आपके पास दिया हुआ है। तो आपको बैलेंस को देखना है कि किस तरफ से आपको टैसल्स को इसमें ऐड करना है और ताकि इसका जो बैलेंस है वो बना रहे। तो देखिए, इसमें मैंने सारे कोट्स लिख लिए हैं और वन बाय वन इनको आपको हैंग करके दिखाया है। फ्रेंड्स, कोट्स को लिखने के लिए मैंने ब्लैक परमानेंट मार्कर का यूज़ किया है और ये जो लीव्स पैटर्न है इसको क्रिएट करने के लिए मैंने ग्रीन परमानेंट मार्कर का यूज़ किया है। और आप परमानेंट मार्कर का ही यूज़ करें ताकि इस पे जो लिखे हुए कोड्स हैं वो जल्दी फेड ना हो। और हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, इन सारे वॉल डेकोर्स को क्रिएट करने के बाद आप इस पर वार्निश करना बिल्कुल भी ना भूलें। वार्निश करने से कोई भी आपका जो आर्ट पीस होगा वो काफ़ी ड्यूरेबल हो जाता है और उसकी शाइन मेंटेन रहती है और आपको जब भी आप उसे देखेंगे तो आपको न्यू लगेगा। तो फ्रेंड्स, जब आपकी वार्निश ड्राई हो जाए उसके बाद आपको टैसल्स ऐड करने हैं। टैसल्स ऐड करने के साथ मैंने इसमें कुछ बीड्स को भी ऐड किया है और एंटी कलर्स का यूज़ किया है, ग्रीन और लेमन येलो। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने इसमें टैसल्स को ऐड करके और इसको हैंग कर दिया है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्यूटीफुल लगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।